नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर यू। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस बार गर्मियों की छुट्टी को रद्द करने का निर्णय लिया है। हेमंत सरकार ने कहा है कि कोविड काल में पूरी तरह से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है, बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित रही। इस बार गर्मियों की छुट्टी को रद्द करके निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बच्चों को राहत देने का काम शिक्षकों की सहायता से की जाएगी। इस बार गर्मियों की छुट्टी में झारखंड में विशेष कक्षाएं आयोजित कर बच्चों की बाधित हुई पढ़ाई को भरपाई करने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई पूरी हो सके। उनका अधूरा पाठ्यक्रम पूरा करने का निर्णय इस बार लिया जा रहा है। इस अभियान की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सजग हो चुका है। उनका कहना है कि बच्चों का अधूरा पाठ्यक्रम को इसे पूरा करना होगा। इस अभियान को सरकार ने निदानात्मक शिक्षा का नाम दिया है। जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड की सभी 24 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी सूचना भी भेज दी गई है। विभाग ने कहा है कि अप्रैल से जून महीने के बीच कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट को विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी। यह कदम कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल में बंद होने की वजह से उठाया गया है। झारखंड के 2400 जिलों में निदानात्मक अभियान चलाया जाएगा। गर्मियों की छुट्टी में भी इस वर्ष बच्चे पढ़ेंगे, ताकि उनका पिछड़ा हुआ पढ़ाई कुछ पटरी पर उतर सके। कोरोना संक्रमण के दौरान झारखंड में सभी सरकारी स्कूल लंबे समय तक बंद पड़े थे। इस कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करते हुए कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करवाया गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इस स्पेशल कक्षा से वंचित रहे। अब उन्हें विशेष कक्षा चलाकर, जिसे निदानात्मक शिक्षा नाम दिया जा रहा है, उसके तहत छात्रों की भरपाई की जाएगी। इस कारण छात्रों की पढ़ाई जो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, इस नुकसान को भरपाई करने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने की पहल की जा रही है। निदानात्मक शिक्षा नामक इस अभियान के तहत शिक्षक स्कूल आएंगे और सभी बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में भी विशेष कक्षा चलाकर उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। इस बार शैक्षणिक सत्र को भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक सत्र समाप्त होने थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है, ताकि बच्चों की बाधित हुई पढ़ाई को कुछ हद तक उन्हें पटरी पर लाया जा सके। यह कदम कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद होने की वजह से उठाया जा रहा है। झारखंड में पुनः एक बार स्कूलों को फिर से सजाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड सरकार इसके लिए अपना कदम उठा चुका है। झारखंड में पुनः एक बार विशेष कक्षा चलाने का अभियान शुरू हो चुका है। अब यह 31 मार्च के जगह पर 30 जून तक चलेगा। सत्र 2021-22 को 3 महीने के लिए और भी बढ़ाने का निर्णय झारखंड सरकार ने लिया है। शिक्षा विभाग अप्रैल से जून तक का शेड्यूल तैयार कर रहा है और उसे निदानात्मक शिक्षा का नाम दिया जा रहा है। उसके तहत किस प्रकार से सिलेबस को जारी किया जाएगा और उसी के अनुरूप बच्चों को शिक्षा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना में हुए नुकसान की होगी अब भरपाई। गर्मी की छुट्टियों में भी चलेगी विशेष कक्षाएं। गर्मियों की छुट्टियों में कक्षा चलाने का इस बार झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। कोरोना में नुकसान की भरपाई हर हाल में शिक्षकों को करना होगा। गर्मी की छुट्टियों में भी विशेष कक्षा चलाकर इसे हर हाल में पूरा करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षा विभाग इस प्रकार से निदानात्मक शिक्षा की पहल के लिए कई कदम उठा चुकी है और अब निश्चित तौर पर बहुत जल्द सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी रूपरेखा भेज दी जाएगी। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों तक इस बात को पहुंचा दिया गया है कि अब इस वर्ष
सत्र 31 मार्च की जगह पर 30 जून को समाप्त होगा। इस तरह से गर्मी की छुट्टी इस बार कैंसिल होगी और गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को विद्यार्थियों तक पहुंच बनाकर विद्यालय में पठन पाठन का कार्य